गाइस मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल की होने वाली है क्योंकि मैंने एक ट्रक को खुद ही बनाया है गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रक्स हैं, तो एक ट्रक मैंने ऐसा बनाया है कि गाइस जिसको आप देख के हैरान होने वाले हो। तो ट्रक को मैंने रखा है ये बॉक्स के अंदर। फटाफट से ये ट्रक को अनबॉक्स करते हैं और ये ट्रक मैंने किस तरीके से बनाया है सारी डिटेल मैं आज आपको देने वाला हूँ। मेरे पास और भी ट्रक्स है तो आज उनकी फाइट कराऊंगा ये ट्रक के साथ। तो बॉक्स को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये एक ब्रूडर का ट्रक है, इसके अंदर मोटर कुछ भी नहीं आती है। इसके अंदर मोटर वगैरह लगाकर पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है और ट्रक के अंदर रिमोट कंट्रोल भी जोड़ दिया है। ये ट्रक के अंदर नहीं गई, ये ट्रक के अंदर। साथ में देखो मैंने एकदम खतरनाक वाले ट्रक्स भी ले लिए, जैसे कि ट्रैक्सस का अल्टीमेट हॉलर ट्रक, WL टॉयज का डंपर ट्रक भी ले चुका हूं और अपना US मिलिट्री ट्रक भी ले लिया मैंने। आज देखते हैं गाइस जो ट्रक बनाया है ये ट्रक कितना ज्यादा पावरफुल है। चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करके सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। बॉक्स को यहाँ से ओपन कर देते हैं। ये रहा हमारा ब्रूडर का मर्सिडीज ट्रक का रिमोट। इसके अंदर मैंने फ्लाई स्काई GT2 का रिमोट लगाया है। अब निकालते हैं हमारे मर्सिडीज ट्रक को। यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। काफी ज्यादा भारी भरकम ट्रक है गाइस। एक बार इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो यार, कितनी ज्यादा सॉलिड लग रही है। ये ट्रक का साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा ट्रक मैंने कभी भी नहीं बनाया था यार। सामने की तरफ आपको मर्सिडीज का लोगो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका नंबर प्लेट है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स है। बिल्ड क्वालिटी तो एकदम सॉलिड है। आपको पता होगा ब्रूडर के जितने भी ट्रक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड क्वालिटी के होते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या चेंज किया है वो आपको एक बार बता देता हूं। और साथ में जो मेरे पास हाथ से ढकेलने का ब्रूडर ट्रक के साथ इसको कंपेयर भी करके बताने वाला। ये रहे इसके व्हील्स। इसके अंदर देखो कंप्लीटली टाटा ट्रक के व्हील्स लगा दिए हैं। पीछे की तरफ 8 व्हील्स है, सामने की तरफ 2 व्हील्स है। यहाँ पे इसका टैंक है, इसके अंदर का रिसीवर रखा है गाइस। यहाँ पे इस तरह के मड फ्लैप्स लगा दिए। ये इसका डंपर है, ये डंपर यहाँ से खुल भी जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इसको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक भी करने वाला हूँ। जस्ट एक बटन दबाने पर इसका डंपर इस तरह से उठ जाएगा और इसके अंदर जितना भी लोड होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो इसको आगे भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे है इसकी रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी को यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। देखो यार काफी हेवी साइज की, काफी सॉलिड वाली बैटरी मैंने इसके अंदर लगाई है। वापस बैटरी को यहीं पे रख देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे है इसका सर्वो। इसकी हेल्प से इसके व्हील जो है हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की चैसिस देखो, डबल चैसिस के ऊपर लगाइएगा इस, ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ सके। कम्प्लीटली मेटल की चैसिस मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये इसका शाफ्ट है, इसका शाफ्ट ये व्हील्स को भी घुमाता है और ये व्हील्स को भी घुमाता है। इस वजह से ये 8 व्हील ड्राइव ट्रक भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे सर्वो का रॉड है, सर्वो से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये आराम से टर्न हो जाएगा। यहाँ पीछे की तरफ इस तरह का गियर बॉक्स भी है इसके अंदर, ताकि पीछे के व्हील्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। और भी बहुत सारी खूबियां है गाइस, जैसे कि इसके डोर्स इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। अंदर देखो सीट है, यहाँ पे इसका कैबिन है। यहाँ का भी जो डोर है इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे सीट है, यहाँ पे स्टीयरिंग है और इसकी स्टीयरिंग इस तरह से टर्न भी हो सकती है। यार मजा आ गया इसको देखकर। काफी कमाल की डिटेलिंग दी गई है ये ट्रक के ऊपर। और इसके साइड मिरर से ये भी इस तरीके से ओपन और क्लोज हो जाते हैं। बाकी गाइस देखते हैं इसको चला के ये कितने तगड़े तरीके से चल सकता है। अब मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ ये वाले ट्रक के साथ। हाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब निकालता हूँ इसको मैं बाहर। ये आ चुका है अपना ब्रूडर का ट्रक। इसके अंदर देखो गाइस, सामने की तरफ 4 व्हील्स है, पीछे की तरफ 4 व्हील्स है। दिखने में ये इससे काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, पर ऐसा है नहीं गाइस, क्योंकि दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के बता देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट दोनों ट्रक जो है सेम साइज के ही है, बस इसके जो व्हील्स है थोड़े से ज्यादा चौड़े हैं। इसके अंदर व्हील्स चेंज कर दिए, इस वजह से इसके व्हील जो है ज्यादा बड़े आपको नहीं दिखाई दे रहे। ये भी एक डंपर ट्रक है और ये भी एक डंपर ट्रक है। तो इसके अंदर आप देख लो गाइस, मोटर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये भी कम्प्लीटली हाथ से ही उठाना पड़ता है। नीचे देखो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ ट्रक है। कहीं पे भी आपको मोटर सर्वो बैटरी वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसका प्राइस पता है गाइस 11,000 रुपीज है। और इसको कम्प्लीटली बनाने के बाद इसके ऊपर मेरे को खर्चा आया है 20,000 रुपए का। देखते हैं गाइस क्या ये 20,000 रुपए वर्थ है या फिर नहीं इसको चलाने के बाद। तो ये रहा अपना WL टॉयज का डंपर ट्रक। ये ट्रक को मैंने देखो मर्सिडीज ट्रक के साइड में रख दिया है। दोनों के अंदर डिफरेंस आप देख सकते हो, ये ट्रक इससे बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। बाकी देखने में दोनों ट्रक जो है थोड़े से सिमिलर आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखो सामने इसकी भी ग्रिल सेम है, इसकी भी ग्रिल सेम दी गई है, पर यहाँ पे लोगो थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये रहा पीछे से इस तरह का नजर आता है ट्रक, और ये ट्रक जो है पीछे से इस तरीके से नजर आता है। बाकी इसका डंपर भी इसके मुकाबले में बहुत बड़ा साइज का है। और ये ट्रक के बारे में तो आपको पता होगा, इसके ऊपर ये जो डंपर लगा है इसको हम लोग कम्प्लीटली रिमोट से ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत ट्रक है।
अगर ये ट्रक को मैं ट्रैक्सस के अल्टीमेट हॉलर ट्रक के साथ कंपेयर करके बताऊं तो देखो गाइस ट्रैक्सस का ट्रक इससे काफी ज्यादा बड़े साइज का है। दोनों के बीच में मैं फाइट भी करा के देखने वाला हूं, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन सा ट्रक जीतता है। तो ये ट्रक बहुत ज्यादा महंगा भी है इसके मुकाबले में। बाकी ये ट्रक के बारे में तो आपको पता होगा, ये कम्प्लीटली 6-व्हील ड्राइव ट्रक है और ये हर एक टेरेन में बहुत तगड़े तरीके से चल सकता है क्योंकि इसके अंदर 6 व्हील्स एक साथ काम कर सकते हैं। तो ओके गाइस सभी ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे हमारा हैंडमेड ट्रक ट्रैक्सस के सामने या फिर WLTOS डंपर ट्रक के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। चलो सबसे पहले हैंडमेड ब्रूडर मर्सिडीज ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। व्हील्स अच्छे खासे टर्न हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रक काफी ज्यादा बड़ा है, तो मेरे को आज देखना है कि ये छोटे से एरिया में भी टर्न हो पाएगा या फिर नहीं। आप देखो यहाँ से मैं इसको टर्न कराने वाला हूँ, बहुत आराम से टर्न हो चुका है गाइस और ये ट्रक बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। रिवर्स चला के देखते हैं, रिवर्स भी बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है और रिवर्स मोड में मैं इसको टर्न भी करा पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ट्रक बहुत अच्छे तरीके से बना है, दिखने में भी ट्रक पूरा का पूरा एक रियल मर्सिडीज ट्रक जैसा ही दिखाई दे रहा है। और इसका कलर भी देखो, मैंने डुअल टोन कलर सेलेक्ट किया है, सामने अलग कलर है, पीछे डंपर की तरफ अलग कलर मैंने लगाया है ताकि ये ट्रक एकदम अट्रैक्टिव नजर आए। तो अब मैं इसका वेट टेस्ट भी करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने स्कैनिया का ट्रक रख दिया है, मेरे को लगा था गाइस ये नहीं चलेगा, पर देखो इसकी जो चैसिस है काफी ज्यादा मजबूत होने के कारण और इसकी मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण ये इतना ज्यादा भारी भरकम ब्रूडर स्कैनिया ट्रक को भी लेके चल सकता है। अब ट्रैक्सस अल्टीमेट ट्रक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, इसका विंच मैंने स्कैनिया ट्रक के अंदर लगा दिया है। अब देखते हैं क्या ये भारी भरकम स्कैनिया ट्रक को अपने ऊपर लोड कर पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे देखो यार कुछ तो करकराने की आवाज आ रही है, मेरे को लग रहा है इसका इसका विंच टूट ना जाए, पर इसका विंच काफी ज्यादा पावरफुल है यार। देखो बहुत आराम से इसने स्कैनिया ट्रक को अपने ऊपर लोड कर लिया है। अब ट्रैक्सस ट्रक का एकदम खतरनाक वाला वेट टेस्ट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे एक के ऊपर एक मैंने 3 ट्रक्स को इसके ऊपर जमा दिया है, अब देखते हैं क्या ये इतना ज्यादा वेट लेकर चल पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे धीरे धीरे मैं इसको पहले चलाऊंगा, फिर इसकी स्पीड भी बढ़ा के देखने वाला हूँ। अब तक तो बहुत परफेक्टली ट्रैक्सस का ट्रक चल रहा था, इसके व्हील्स देखो ऑलमोस्ट दब चुके हैं नीचे की तरफ और सस्पेंशन भी थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठ चुका है, पर जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई है ये ऊपर से मिलिट्री ट्रक नीचे गिर गया और इसका व्हील पूरी तरीके से टूट चुका है। ओ माय गॉड यार, अब तो ये व्हील जुड़ाना मेरे को नामुमकिन लग रहा है क्योंकि देखो इसका शाफ्ट प्लास्टिक का था, इस वजह से ये पूरी तरीके से टूट चुका है। अब ये मिलिट्री ट्रक को एक बार चला के भी देख लेते हैं। ओए भाई साहब देखो, एक व्हील टूटने के बाद भी ये मिलिट्री ट्रक चल रहा है यार। सच में मिलिट्री ट्रक एकदम लाजवाब है, बहुत अच्छे तरीके से टर्न भी हो रहा है, पर ज्यादा स्पीड चलाने पर ये थोड़ा सा शेक होने लग रहा है क्योंकि एक साइड का व्हील पूरी तरीके से निकल चुका है। मजा आ गया यार इसको चला के, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी कमाल की है। अब मैं डंपर ट्रक का वेट कैरी टेस्ट करने वाला हूँ, इसके ऊपर रखूंगा ट्रैक्सस ट्रक को। देखो गाइस मैंने रख दिया है, अब देखते हैं क्या ये चल पाएगा या फिर नहीं। ये देखो गाइस आराम से चल रहा है यार, बिना कोई दिक्कत के। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस क्योंकि ट्रैक्सस का ट्रक इससे 4 गुना ज्यादा बड़ा है और 4 गुना ज्यादा वजनदार भी है। यहाँ पे देखो छोटी सी दिक्कत आ चुकी है, इसके सामने के व्हील्स पूरी तरीके से ऊपर उठ चुके हैं। अब मैं ट्रक को लेफ्ट राइट नहीं टर्न करा पा रहा हूँ क्योंकि गाइस इसको सामने के व्हील्स पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है। ओके सभी ट्रक्स वेट तो अच्छा खासा कैरी कर रहे थे, अब इनके बीच में स्पीड टेस्ट कराते हैं गाइस। सबसे पहले इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं अपना हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक जीता या फिर WLTOS का डंपर ट्रक जीता। WLTOS डंपर ट्रक पहले तो आगे निकल गया था, पर जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाला है अपने हैंडमेड ट्रक के अंदर, देखो हैंडमेड ट्रक तो काफी ज्यादा आगे निकल गया है। सच में इसकी स्पीड अच्छी खासी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ट्रक इतना फास्ट चलेगा कि WLTOS का ट्रक हार जाएगा इसके सामने। अब हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक की रेस कराते हैं अपने मिलिट्री ट्रक के साथ, देखते हैं क्या ये मिलिट्री ट्रक एक व्हील टूटने के बाद भी इसको हरा पाएगा या फिर नहीं। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे। अब यहाँ पे यार जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया है, मिलिट्री ट्रक की स्पीड देखो अचानक से बढ़ चुकी है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है इस एक व्हील टूटने के बाद भी ये ट्रक इतना स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे फुल स्पीड बढ़ा के मैंने सेकंड गियर भी डाल दिया है अपने मर्सिडीज ट्रक के अंदर, फिर भी देखो ये इसको कैच नहीं कर पा रहा है। क्लियरली यहाँ पे मिलिट्री ट्रक जीत चुका है रेस को। अब फाइनल और खतरनाक रेस होगी मिलिट्री ट्रक वर्सेस ट्रैक्सस ट्रक के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। मिलिट्री ट्रक पूरी बराबर की टक्कर दे रहा था ट्रैक्सस ट्रक को, पर जैसे ही ट्रैक्सस ट्रक के अंदर मैंने सेकंड गियर डाला है, देखो यार ट्रैक्सस ट्रक की स्पीड अचानक से बढ़ चुकी है और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। क्लियरली ट्रैक्सस ट्रक यहाँ पे जीत चुका है रेस को, सबसे ज्यादा फास्ट है ट्रैक्सस ट्रक।
अब इन ट्रक्स के बीच में पावर टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा ट्रक है सबसे ज्यादा पावरफुल। पहले ये दोनों डंपर ट्रक्स के बीच में कराते हैं फाइट। यहाँ पे अपना हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है। इसने तो यार WL टॉयज ट्रक को बहुत आराम से हरा के रख दिया है। मेरे को लगा था कि WL टॉयज डंपर ट्रक इसको बहुत कड़ी टक्कर देगा, पर WL टॉयज डंपर ट्रक बहुत आसानी से हार चुका है पुशबैक में। ठीक है, पुशबैक में तो हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक जीत गया था। आप कराते हैं टॉप 4, देखते हैं टॉप 4 में कौन जीतता है। WL टॉयज डंपर ट्रक को आ चुका है गुस्सा। देखो गाइस ये पूरी पावर लगाकर हैंडमेड ट्रक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर हैंडमेड ट्रक भी कुछ कम है नहीं गाइस। देखो इसने भी फुल पावर लगाकर WL टॉयज डंपर ट्रक को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पे WL टॉयज डंपर ट्रक ब्रेक लगाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि यार इसने तो चुटकी बजाते ही वापस से WL टॉयज डंपर ट्रक को भी हरा दिया है। आप देखते हैं हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक क्या है मिलिट्री ट्रक के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मिलिट्री ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो इस पूरी ताकत लगाकर इसने हैंडमेड ट्रक को रोक रखा है, पर हैंडमेड ट्रक के अंदर मैंने जैसे ही फुल ट्रिगर प्रेस किया है और इसका जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाला है, इसने धीरे धीरे करके मिलिट्री ट्रक को पीछे ढकेलना चालू कर दिया। यहाँ पे मिलिट्री ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए, पर इसका एक व्हील भी टूट चुका है तो इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। क्लियरली यहाँ पे मिलिट्री ट्रक हार चुका है। अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट अपने हैंडमेड मर्सिडीज ट्रक वर्सेस ट्रैक्सस ट्रक के बीच में। ट्रैक्सस ट्रक के सामने बिल्कुल भी मर्सिडीज ट्रक ट्रिक नहीं पा रहा है गाइस। इसने तो यार आराम से इसको पीछे ढकेल के रख दिया है। ओ माय गॉड दोस्तों ये क्या हो गया यार, मर्सिडीज ट्रक का सामने का व्हील पूरी तरीके से निकल चुका है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार ट्रैक्सस का ट्रक इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि इसने तो यार अपने हैंडमेड ट्रक का व्हील तोड़ के रख दिया है। अब होगी फाइनल लड़ाई ये तीनों ट्रक्स के बीच में। एक तरफ मैंने ट्रैक्सस के को बांध दिया और दूसरी तरफ ये दोनों ट्रक्स को बांध दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लड़ाई स्टार्ट की है, क्लियरली ट्रैक्सस का ट्रक बहुत आराम से ये दोनों ट्रक्स को खींच के लेके जा रहा है। ओ माय गॉड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार ये ट्रैक्सस का ट्रक इन दोनों को इतनी आसानी से हरा देगा। मिट्टी के अंदर इसको घसीट के लेके जा रहा है और ये दोनों ट्रक्स यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ट्रैक्सस का ट्रक है सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे आपको ये सभी ट्रक्स में से कौन सा ट्रक अच्छा लगा। चलो मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है रूपराज, निशांत, मोहम्मद, आतिर, आरव, मायूरेश, उदय, सुब्रजीत, सक्षम, कृष्णा, तुषार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।